प्रिया, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल इट्स प्रिया में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं लेकर आई हूँ आज फुल टाइट फेस कवर होम क्लीनिंग इन साड़ी, क्योंकि गाइस यह एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, फुल फेस टाइट कवर होम क्लीनिंग इन साड़ी। तो मैं अभी वही करने जा रही हूँ और मैं आप लोगों का रिक्वेस्ट को पूरा करने की कोशिश करूंगी, जो भी मुझसे बन पड़ेगा। जितना रिक्वेस्ट आप लोगों का मैं पूरा कर सकती हूँ जरूर करूंगी। आप लोग भी मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए ग्रो करने में, और मैं भी आप लोगों का जितना रिक्वेस्ट मेरे से हो पाएगा उतना मैं जरूर पूरा करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए काम पर लग जाते हैं। और यह जो पार्ट है जो मैं अभी आप लोगों से बोल रही हूँ वो क्लीनिंग के बाद का पार्ट है, लेकिन मैं इसको शुरू में ही ऐड कर दे रही हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे ब्लॉग ज्यादा लंबा देखते नहीं है, तो लास्ट तक आप लोग देखेंगे नहीं तो सुनेंगे कैसे, इसलिए मैं इसको शुरू में ही ऐड कर दी ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सुने और ज्यादा से ज्यादा मेरे ब्लॉग को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल पर नए हैं तो, और अपने अच्छे अच्छे रिक्वेस्ट भेजिए ताकि मैं उस पर अपना अच्छा से अच्छा ब्लॉग आप लोगों को दे सकूं। फेस कवर करके ही क्लीनिंग करना चाहिए, नहीं तो जितने भी डस्ट होते हैं वो हमारे फेस पर आते हैं और फेस को डैमेज करते हैं। डस्ट आने से ही फेस में पिंपल्स होते हैं और भी कई तरह के स्किन प्रॉब्लम होता है, और जितने लोगों को धूल मिट्टी से एलर्जी रहता है तो उनको तो अपने फेस को कवर करके ही क्लीनिंग का काम करना चाहिए जिससे उनको एलर्जी ना हो। बाल को भी कवर कर लेना चाहिए क्योंकि हमारे बालों के लिए भी सही रहता है, डस्ट होने से बाल और स्किन दोनों डैमेज होते हैं। तो मैं अपने जल्दी से अपने बाल और फेस को कवर कर लेती हूँ, क्लीनिंग का काम शुरू कर देती हूँ। तो पहले तो मैं बाल इस तरह से रखी होता, इसको इस तरह से कर लूंगी और फिर मैं एक दुपट्टा ले आई हूँ और दुपट्टा को इधर इस तरह से कर लेंगे और ये जो नीचे का सिरा है इसको दो पार्ट में कर देंगे इस तरह से, और यहां से इसे केवल आई दिखना चाहिए, बाकी पूरा फेस ढका होना चाहिए। तो पीछे मैं इसको एक गांठ बांधूंगी इस तरह से, और बाकी का ये जो आगे का दुपट्टा है इसको भी इस तरह से, और इसको मैं बाल में इस तरह से कर दी ताकि मेरा बाल भी ना खुले और दुपट्टा भी सही से बंधा रहे। देखिए आप लोग देख सकते हैं मेरे नोज का शेप, लिप्स का शेप पूरा दिख रहा है, बहुत ही टाइट से मैं बांधी हूँ इधर भी, और इस तरह से मेरा पूरा बाल भी कवर हो गया इस तरह से, और पूरा फेस भी टाइट एकदम कवर हो गया है। देखिए पूरा हो गया अच्छे से, पूरा अच्छे से दुपट्टा बांध ले। अब लग जाते हैं अपने काम में, पूरा क्लीनिंग करना है रूम का। तो मेरा बेड भी आज ऐसा ही है, तो मैं अभी पहले बेड को ठीक कर लेती हूँ, उसके बाद बेड ठीक नहीं करूंगी, रजाई वगैरह हटा दूंगी और चादर को इसी तरह से रहने दूंगी, क्योंकि अभी ऊपर से गंदगी गिरेगा डस्ट वगैरह, तो चादर और तकिया के कवर भी तो चेंज करना होगा। तो मैं केवल रजाई यहाँ से हटा देती हूँ और बाकी सब कुछ रहने देती हूँ, अब फटाफट काम में लग जाती हूँ। Thank you.
आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो जितना हो सके शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, खुशियां बांटिए।